पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देर रात शहर में एक निजी अस्पताल के कंपाउंडर की करतूत, अस्पताल समेत पुलिस प्रशासन को भी। दरअसल बुलंदशहर नगर स्थित संस्कार हॉस्पिटल में एक पीड़ित के साथ तीमारदारी में रुकी महिला के साथ हॉस्पिटल के एक कंपाउंडर ने फोन कॉल कर छेड़छाड़ और बदसलूकी की। जैसे ही रिसेप्शन पर शिकायत लेकर पीड़िता का भाई पहुंचा तो अस्पताल में तैनात कंपाउंडर ने दबंगई दिखाते हुए स्टाफ के साथ मिल पीड़िता के भाई की इतनी पिटाई कर दी कि वह लहूलुहान हो गया। छेड़छाड़ और ऊपर से दबंगई के चलते पिटाई से तिल मिलाए युवक ने घटना की सूचना अपने घर और पड़ोस में दी, जिससे पीड़िता के आसपास के सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंच गए। मामला इतना बढ़ गया कि लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की और वहां मौजूद डॉक्टर और कंपाउंडर की पिटाई भी कर दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दखल अंदाजी करते हुए आरोपी कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया, मगर बावजूद इसके लोग बड़ी तादाद में एक कोतवाली पर जमा होने लगे, जिस पर पुलिस को लाठियां भी बरसानी पड़ी। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। क्या हुआ आपके साथ हॉस्पिटल में? मेरे साथ में ये हुआ था, मैंने फोन लगाया था अपना कल दोपहर चार्जिंग पर। अब ये मालूम ना हरिंदर की तब जांच पड़ी तो कौन सा है। उस लड़के ने मेरा नंबर निकाल कर और मेरे पे उसने कॉल करी, मेरे से बोला वो तू मेरे साथ में चल। मैंने कहा भैया तू बोल कौन रहा? वो बोला मैं हरिंदर बोल रहा हूँ। मैंने कहा फिर क्या चाहे मेरे साथ में चल। मैंने कही उस समय मेरे पास दो बच्चे हैं, मैं नहीं जा सकती, तू तो चल ना, जैसे तू कहेगी ऐसा करूँगा, तेरे बच्चे भी मैं साथ में रखूंगा तुझे। कौन सा हॉस्पिटल का मामला है? संस्कार होटल हॉस्पिटल है। एक पुरुष एडमिट थे वहाँ पे और उनकी एक रिलेटिव के साथ ये आरोप लगाया है कि एक लड़के ने टेलीफोन नंबर लेकर के उसे छेड़छाड़ की और इसके आधार पे अभी पंजीकृत किया जा रहा है। तब तहरीर आ गई और उसकी विस्तृत जांच की जाएगी, जो भी जांच में तथ्य प्रकाश में आएगा उनके आधार पर तय होगी। सर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया सर? पूछताछ की जा रही, जो जिन पे भी आरोप है उनसे पूछताछ की जा रही।